बंद करो, बंद करो। अरे LIC SBI को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की संपत्तियों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आप SBI LIC को बेचना बंद करो, बंद करो। अरे बढ़ती गैस की महंगाई नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर है। सदन के बाहर पोर्टिको से लगातार तस्वीरें आ रही है जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। अडानी अंबानी को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है। पोर्टिको में अपने हाथों पर तख्तियां लेकर सभी कांग्रेस के नेता काफी सारा हल्ला बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आई है। हम आपको बता दें कि बजट सत्र के तीसरे दिन भी लगातार हल्ला बोला जा रहा है, जहां एक तरफ बिहार के विपक्षी सत्ता पक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। तमाम तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई है। एक और तस्वीर निकल कर सामने आई जहाँ पर कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर है। अडानी अंबानी की कई सारे नारे लिखकर तख्तियों पर हल्ला बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखो, बंद करो, अरे LIC SBI को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की संपत्तियों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आप SBI LIC को बेचना बंद करो, बंद करो। अरे बढ़ती गैस की महंगाई नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेच रहा है आपको खुद पता है कि LIC को बेच रहे हैं। LIC कितने फायदे में था, अभी क्या हुआ आपको देखिए। यह भारतवर्ष आजाद कराने से लेकर कांग्रेस ने जो मजबूती दिया देश उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं। एक उद्योगपति जो 100 स्थान के नीचे थे आज तीसरे चौथे पर पहुंच गए। क्या आप जनता ने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को इसी दिन के लिए चुना था? क्या आप जहां नौकरी मिल रहा है वहां बेचते चलो? इसमें विरोध कर रहे हैं हम लोग, महंगाई के खिलाफ है। जनता को देखिए, सिर्फ उद्योगपतियों को देखने से काम नहीं चलेगा, जनता आपको माफ नहीं। अजीत शर्मा जी, भाजपा कह रही है आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, इस वजह से कुछ बोलते रहते हैं। सर मैं जब आज स्पीच दूंगा आप सुनिएगा कि जब मुख्यमंत्री हमारे मंत्री जब वित्त मंत्री थे तारकेश्वर राव ने क्या बोला था, वो बताएंगे 1,00,000 करोड़ रुपया मिलेगा। क्या 1 रुपया मिला? भारतीय जनता जवाब दे। केंद्र सरकार शौचालय व्यवहार बिहार के साथ कर रही है, इसका हक नहीं दे रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी जब आदरणीय प्रधानमंत्री चुनाव में आए थे, बोले थे कितना चाहिए, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ ले लो। वो कहाँ चले गए? बिहार का अनदेखी हो रही है, इसका विरोध करते हैं। केंद्र सरकार को जगना पड़ेगा, जो जनता उनको माफ। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता सदन के बाहर हल्ला बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अडानी अंबानी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहिए। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।